नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज़ स्टेशन। तो देखिए, बड़ी खबर आप सबके सामने ये आ रही है कि जो नोएडा के ट्विन टावर, जी हां, जो इलीगल सुपर टैक के जो ट्विन टावर थे, उसने सुप्रीम कोर्ट ने उसको ढहाने का, यानी कि उसको विस्फोटक से ढहाने का देखिए पूरा का पूरा बिल पास कर दिया था। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया था कि देखिए इसको ढाइए। तो अब देखिए कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका से टीमें बुलाई गई थी, इंडिया की टीमें बुलाई गई थी, 3700 किलो बारूद फिट कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ, देखिए बड़ी खबर आ रही है कि बारूद का टाइम जो फटने का था वो था 2:30 बजे, और उससे पहले ही देखिए कि उसमें कुछ खामी आ गई थी और निचले जो बारूद था, यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर पे जो बारूद लगाया गया था, उसमें आ गई खराबी, और उसमें से भी 1% जो बारूद था उसमें से पहले ही विस्फोट हो चुका है। ऐसी खबर सूत्र के हवाले से आ रही है, क्योंकि उसकी फुटेज देखिए किसी को कैप्चर नहीं करने दे रही, क्योंकि ये खामी है प्रशासन की। देखिए साफ साफ बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि जो विस्फोट तक टाइम तो उससे पहले ही विस्फोट हो चुका है, लेकिन इमारत को देखिए कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी इमारत को लगाने के लिए एक टीएनटी से, यानी कि एक ग्राम टीएनटी से, एक किलो टीएनटी से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 3700 किलो बारूद का इस्तेमाल करा जाएगा, तभी पूरे टावर गिरेंगे। लेकिन बड़ी खामी देखिए यहाँ पे निकल कर आ रही है कि विस्फोट होने से पहले ही देखे फट गए हैं विस्फोटक, लेकिन टावर तैसे के तैसे खड़े रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें प्रशासन क्या करता है, जो साउथ अफ्रीका की टीम जो बुलाई गई थी वहां से, अब उसमें क्या करती है, क्योंकि देखिए पूरे भारत की निगाहें इस पर थी कि ये जो पूरा का पल, क्योंकि अगर सुपर टैक की बात करें तो ये जो केस है वो इतने सालों से पेंडिंग था। देखिए यहाँ पे जो जगह थी वो पर्यावरण एनवायरमेंटल की जगह बताई गई थी, तो इसमें पहले हाईकोर्ट गए सुपर टैक वाले, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, तो उनके मत में जो केस नहीं आया, साफ बोल दिया कि देखो भैया आपकी जो जमीन है इलीगल, अब जो आपने जो बनाई है वो गिरेगी, मोहर लगा दी थी, 3700 किलो बारूद फिट कर दिया गया था, पूरी मीडिया कवरेज इसको मिल रही थी, ऐसा एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा है कि देखो कि यहाँ पे पूरा एक इतना बड़ा कवरेज देखे किसी भी बिल्डिंग को नहीं मिला। यहाँ पे मद्रास में इससे भी बड़ी बिल्डिंग रही थी अगर आपको पता हो तो, लेकिन उसको भी इतना बड़ा कवरेज नहीं मिला था जितना सुपर टेक की बिल्डिंग को मिला था। और अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ धरा का धरा रह गया, और जो पूरा 3700 किलो बारूद था वो अब मिट्टी में मिल गया है, क्योंकि ये ट्विन टावर देखिए पहले ही विस्फोट से खराब हो चुके हैं। और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। हालांकि देखिए कि इसमें कोई ऑफिशियल हमें कोई खबर नहीं मिल रही है, इसको सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन देखिए कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से क्यों आ रही है, क्योंकि देखिए वहां पे जो पास में बिल्डिंग के जो पास है, कम से कम आप देखिए कि 120 मीटर तक कैमरे को भी जाने की अलाउड नहीं है, तो कैमरे इतने दूर का देखिए नजारा तो ले नहीं सकते, क्योंकि बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है, क्योंकि डस्ट उसकी ना उड़े, तो आप मानिए कि एक पर्दे टाइप का कुछ लगा रखे हैं वहां पे, प्लास्टिक की शीट लगा रखी, लेकिन वो धूल जो है इसकी वो आसपास की जो बिल्डिंग है उनको गंदी ना करे, और जो धूल है वो आसपास ना फैले। तो इस वजह से देखिए कि कोई भी कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया है जो विस्फोट अब हुआ है, तो इसलिए देखिए 2:30 बजे होना था, अब नहीं हो, अब विस्फोट हो चुका है, और अब देखिए कि पूरी जो मिट्टी, जो उनकी मेहनत तो मिट्टी में मिल चुकी है, अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या करता है। बहरहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इतना बड़ा खर्चा जो हो रहा है वो किस लिए, इतनी बड़ी कवरेज किसके लिए, जो और भी बिल्डिंगें गिरती है उनमें तो इतनी बड़ी कवरेज नहीं होती, क्या इतनी बड़ी कवरेज इसलिए मिल रही है क्योंकि लोगों की जो लोगों की जो कमाई थी, जो काली कमाई थी उसमें लग रखी थी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।